अपने घर में थोड़ी सी मिट्टी लाकर शिवलिंग का निर्माण करना, एक लोटा जल, गेहूं के 21 दाने जिससे वंश वृद्धि के लिए रहें, कमलगट्टे 5, चावल 108 दाने चावल के, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सावन अधिक मास की शिवरात्रि आने वाली है, इसका और अधिक विशेष महत्व होता है। इससे पहले भी आपने ऑनलाइन अभिषेक किया था, लोगों ने अभिषेक किया था, उनको उनका फल मिल गया होगा या मिलेगा। तो जो उस बार चूक गए थे वो इस बार सारी वस्तुएं नोट कर ले, हम आपको बताएंगे। सावन अधिक मास की शिवरात्रि जो कि 14 अगस्त को पड़ रही है, तो उस दिन पूजन में आपको क्या सब सामग्री लगेगी, हम आपको इस वीडियो में पूजन सामग्री और अभिषेक की सामग्री दोनों सामग्री के बारे में बताएंगे। तो आप अपना कॉपी और पेन तैयार रखें, हम लिखेंगे बताएंगे तो आप लोग लिख लेना, आपको कोई भी सामान नहीं छूटना चाहिए। हम ये वीडियो 5-6 दिन पहले बना रहे हैं ताकि आप लोगों के पास, जिनके पास भी जो वस्तुएं अवेलेबल ना हो तो वो मार्केट से या फिर जहां से चाहे वो सामान अपने पास जुटा ले, इसलिए वीडियो हम ये 5-6 दिन पहले बना रहे हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें और इस ऑनलाइन सामग्री का, ऑनलाइन पूजन का लाभ अवश्य उठाएं। तो पहली जो सामग्री है वो है एक लोटा शुद्ध जल, 21 गेहूं के दाने, 5 कमलगट्टे, 108 साबुत चावल के दाने, 21 काली मिर्च को हम मिर्च भी कहते हैं, 1 चुटकी काली तिल, 7 बेलपत्र, 1 धतूरा, 7 रसमी पत्र, और फूल में आपको या तो आप उजले फूल चढ़ा सकते हैं, अगर गुलाब के फूल मिल जाए तो अति उत्तम है, 7 गुलाब के पुष्प, अगर 7 गुलाब के पुष्प ना मिले तो उस गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर 7 बना ले, फिर कुछ उजले फूल भी चाहिए आपको, सफेद पुष्प वही रखने हैं जो भगवान शिव को समर्पित होता हो, गलती से भी केतकी का पुष्प मत ले आना। अब अभिषेक के लिए आपको दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन 5 चीज को आपको अलग अलग रखना है और इन 5 चीजों से आपको एक पंचामृत भी तैयार करके रखनी है, इत्र, 1 कटोरी गंगा जल, पीला चंदन, फिर 3 आपको गोल सुपारी लेनी है जिसमें 1 शंकर जी का स्वरूप बनेगा, 1 पार्वती मैया का और 1 गणेश जी का, फिर आपको थोड़े से चावल लेने हैं, वो जो 108 चावल बनाए वो अलग समर्पित करने के लिए, और ये अलग से आपको थोड़े से चावल लेने हैं, फिर रोली मोली लेनी है आपको, 1 पैकेट कर्पूर, उसके बाद 2 मिट्टी के दीपक, गोल बाती वाली घी डली हुई, 5 लौंग, 5 इलायची, कुमकुम, अबीर और हल्दी भी पंडित जी ने लिखवाई है, भोला बाबा की पूजा में हल्दी यूज नहीं होता है पर पता नहीं पंडित जी ने क्यों लिखवाई है, तो हल्दी भी आप रखना, उस दिन अभिषेक के समय पता चलेगा कि हल्दी का क्या इस्तेमाल होता है, मेहंदी, फिर 1 मेहंदी की पैकेट ले लेनी है शिवलिंग बनाने के लिए, काली मिट्टी, अगर काली मिट्टी नहीं मिल रही है तो आप अपने घर के गमले की मिट्टी भी ले सकती हैं, ध्यान रखें तुलसी के गमले को छोड़कर, फिर आपको 5 कोई से फल ले लेने हैं नाशपाती को छोड़कर, फिर 1 जनेऊ ले लेना है, कुछ भी मिठाई बना ले घर पे, बाहर से ना लाए, बत्ती ले ले। तो ये हमने पूजन की सारी सामग्री आपको बता दी, अगर कुछ समझ में ना आए तो हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।